गाइस, वेलकम बैक टू जीके इलेक्ट्रल चैनल। और जैसे कि एक हमारे व्यूवर्स ने कमेंट करा था कि सेम विरको का सेट और सेम ये वाला बोर्ड मेरे पास है, तो इसकी एक वीडियो बनाओ। तो इसी की एक वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बस इसकी वायरिंग तो मैं करके नहीं बताऊँगा, बट उस भाई ने मेरे से पूछा था कि इसकी वायरिंग मेरे को बता दो, क्योंकि ये बोर्ड मेरा ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल कम से कम 30 से 35 साल पुराना ये बोर्ड है, तो मैं इसकी वायरिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन इसके बारे में इसकी डिटेल्स वगैरह मैं दे दूँगा कि कौन सी चीज़ की वायर कहाँ लगेगी। तो सबसे पहले बात करूँ आईसी के पीछे की जो पिन है, ये दोस्तों एक वाइजर है पहले के डेको में जैसे, अब तो मैन्युअली मैं रिमोट में दिखा दूँ तो ये EQ लिखा हुआ है। इसमें हमें 2-3 मोड मिल जाते हैं इक्वाइजर के, पहले सिर्फ 3 मोड होते थे, तो ये उनके लिए इक्वाइजर का कनेक्शन है। और अगर आपका सेम बोर्ड है बिल्कुल, तो ये हमारी मेन वॉल्यूम दोनों चैनल्स की, और हमको बैलेंस बेस ट्रैवल, ये बैलेंस हो गई, ये ट्रैवल हो गई, बेस ये हमें इनबिल्ट मिल जाते, तो इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात करूँ मैं स्पीकर के आउटपुट की, तो अगर आपका सेम बोर्ड है जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो ये हमारी IC के पास से ये हमें 3 प्रिंट मिलेंगे, जो कि बीच वाला ग्राउंड है और लेफ्ट राइट 2 स्पीकर के लिए। एक बार और मैं दिखा दूँ, तो ये जो हमारी तीनों, तो ये वाली हमारी तीनों 1, 2, 3, ये तीनों हमारे स्पीकर की आउटपुट्स हैं। और बात करूँ इसकी ऑडियो देने की, तो ऑडियो कहाँ से देंगे, और ये जो दो वायर हमें यहाँ पे दिख रही है, ये बैलेंस जो हमारी एम्पलीफायर की डिस्प्ले होती है, बिरको के सेटों की एक डिस्प्ले होती है लेफ्ट राइट चैनल की, उसकी डिस्प्ले के लिए वायर है, जिससे हमें उसके इंडिकेटर दिखाई दिखते हैं कि कौन से स्पीकर में कौन सी पावर ज़्यादा जा रही है। तो और ये वाली हमारी ऑक्स की पिन है जो एम्पलीफायर में होती है। और बात करूँ इन पिनों की, तो ये हमारी टेप की ऑडियो इनपुट की पिन है, तो इसमें आप यहाँ से भी ऑडियो दे सकते हैं इन तीन से, और यहाँ से भी ऑडियो दे सकते हैं, मतलब इन तीनों से भी ऑडियो दे सकते हैं, 1, 2, 3, इन तीन से भी ऑडियो दे सकते हैं, और इनसे भी आप ऑडियो दे सकते हैं। ये हमारी टेप की ऑडियो देने के लिए है। बस दोस्तों, पहले बटन के द्वारा चैनल सेट किए जाते थे, या कुछ इस तरह के बटन थे जिनसे टेप वगैरह बदले जाते थे, तो ये इनों का ही खेल है, बाकी सभी कनेक्शन एक ही हैं ऑडियो इनपुट के। तो इतनी सी इसकी वायरिंग है। तो एक व्यूवर्स के कमेंट्स पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वायरिंग तो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये बताया है इस तरीके से अगर आपका सेम बोर्ड है तो आप बिल्कुल सेम तरीके से एम्पलीफायर के कनेक्शन कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। मैं किसी दिन फुल डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसको चला के भी दिखाऊं। और इसका एक सेक्शन और है जिसमें अभी तो 2 IC, इसमें एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ था, उसे भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये रहा वो ट्रांजिस्टर, तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी इसमें लगा हुआ था। और बात करूँ इसकी पावर सप्लाई की, तो इसमें 12012 से हम 18018 दे सकते हैं। तो ये वाला ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर मैं आपको दिखा दूँ, 2N3055 का इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, और एक इसमें मॉस्फेट लगा हुआ है। मॉस्फेट के नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, तो मॉस्फेट के नंबर नहीं दिख पा रहे, मिट चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 30 से 35 साल पुराना बोर्ड था हमारे पास। बात करूँ इसकी पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे वैसे तो अगर आपका बोर्ड अभी ओके कंडीशन में सही है, तो आपको यहाँ पे 3 पिंस मिल जाती है वायर पावर सप्लाई के लिए। अगर नहीं मिलती तो वायर जैसे, तो आप यहाँ से पावर सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, और एक यहाँ पे लगेगी। तो ये हमारी पावर सप्लाई के कनेक्शन है। 12012 का ट्रांसफार्मर आप इसमें दे सकते हैं, और इस तरीके से आप इस एम्पलीफायर को, इस सेट को चला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक तो कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर कर ही देना। आपके लिए इतना सेटअप करते हैं, लाइट लगाते हैं, टाइम ख़राब करते हैं, तो एक सब्सक्राइब, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।